हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी तक हम जेल प्रहरी के चार पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम पांचवें पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और हमने चारों पेपर के सॉल्यूशन में देखा कि हर पेपर में लगभग एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस स्पीड से एक क्वेश्चन, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और हमने जो तरीके किए हैं हमने बहुत डीपली उनको चीज़ों को समझ लिया। तो अगर आप सारे वीडियो देख लेते हैं, सारे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, तो लगभग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से आप तैयारी करिए अपनी। चलिए, तो आज का हम एक पेपर और सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये पेपर नंबर जो है वो पाँचवा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अच्छा, ये और बता दें आपको कि ये जो पेपर है ये 4 अक्टूबर 2018 का पेपर है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था इस पेपर में। तो देखिए, इस पेपर में पहला क्वेश्चन था कि बी की चाल ए की चाल से अधिक है। बी की चाल ए की चाल से अधिक है। ए एवं बी की कुल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए के द्वारा 4 घंटे में और बी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई कुल दूरी 24 किलोमीटर है। तो ए एवं बी, यहाँ पर ये काट दीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए, बी। ए एवं बी की चाल क्या है? ऑप्शन आपको 4 गिवन है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम कोई इक्वेशन नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ऑप्शन की सहायता से। समझना कैसे, ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही ज़्यादा ईजी है। इसमें क्यों ईजी है? क्योंकि यहाँ 3 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या दी है कि बी की चाल ए की चाल से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बी, तो हम बी की एस बोलें, बी एस यानी कि बी की स्पीड ए की स्पीड से कैसी है? बड़ी है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या दी है कि ए 4 घंटे में, ए कितना 4 घंटे में, और बी कितना, तो बी कितना, बी का दिया है यहाँ पर 3 घंटे में। कुल मिला के कितनी दूरी तय करते हैं ये दोनों? ये दोनों टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं? 24 किलोमीटर की। मतलब ए अगर 4 घंटे जाता है और बी कितना 3 घंटे जाता है, तो कुल दूरी कितनी तय करते हैं ये? 24 किलोमीटर की। ठीक है, दूसरी ये कंडीशन। चलिए, और तीसरी कंडीशन क्या दी है कि इनकी चालों का योग कितना है? इनकी चालों का योग कितना है? इन्होंने बोला ए एवं बी कुल चाल कितनी है? 7। तो ए की स्पीड और बी की स्पीड का कुल योग कितना है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हमने पहले तीनों कंडीशन लिख ली जो कंडीशन हमें गिवन है। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बी की चाल ए की चाल से अधिक है। तो पहले ऑप्शन में देखिए, बी 5 है, ए 2 है, तो ये पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बी की चाल ज़्यादा है ए की चाल से। यहाँ पर क्या है? बी की चाल ज़्यादा है बच्चों ए की चाल से, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। ए की चाल 4 है और बी की चाल 3 है, मतलब यहाँ पर ए की चाल ज़्यादा है किससे? बी की चाल से। तो बताइए, अब बी ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन हट गया। ठीक, अब हमारे पास 3 बचे। आगे बढ़ते हैं, ए यहाँ पर 3 है, बी 4 है, तो देखिए यहाँ भी बी की चाल क्या है? ज़्यादा है ए से, तो फिर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। तो चौथे ऑप्शन पे आते हैं, ए 5 है लेकिन बी कितना है? 2। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ए की चाल ज़्यादा है बी की चाल से, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी भी कैंसिल हो गया। तो देखिए आपके 2 ऑप्शन तो हट गए। अब बताइए, आपने 50% काम तो कर दिया अपने पेपर, अपने क्वेश्चन पे, इस पेपर के क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे। अब 50% बचा है, तो अब देखिए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि इनकी चालों का योग कितना है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, 7 किलोमीटर। तो देखिए जो हमारे अब ऑप्शन बचे हैं ए और सी, इनमें से हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 5, टोटल कितना हो रहा है? 7, तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में 3 और कितना है? 4, तो ये भी कितना हो रहा है? 7। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन सी भी आंसर है और ऑप्शन ए भी आंसर, दूसरी कंडीशन इस पर सेटिस्फाई दोनों ही पर हो रही है। तो अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की कि ए कितना 4 घंटे में और बी कितना 3 घंटे में, कुल मिला के कितनी दूरी तय करते हैं? 24 किलोमीटर की। तो अगर हम ए ऑप्शन ले लें, क्या ऑप्शन ले लें? ए ऑप्शन ले लें, तो ए की चाल कितनी होगी यहाँ की? ए की स्पीड कितनी होगी बच्चों? ए की स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन लिया हमने। और बी की स्पीड की अगर बात करें तो बी की चाल कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्होंने बोला ए कितने 4 घंटे जाता है और बी कितना 3 घंटे में, कितना जाता है? 24। तब आप बताइए दूरी कैसे निकालते हैं? आपको ये पिछले पेपरों में डिस्कशन हमने किया था कि दूरी कैसे निकालते हैं। दूरी होती है चाल गुणा समय।
यानी कि चाल और समय का गुणनफल क्या देता है आपको, दूरी देता है। तो अगर हमें ये निकालना है कि ए ने कितनी दूरी यानी कि डिस्टेंस डी तय की, तो देखिए ए की चाल कितनी है, तो ए की चाल 2 किलोमीटर है और उसका समय कितना है, समय 4 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। मतलब ए कितनी दूरी तय करता है, अगर ऑप्शन हमने ए लिया कि ए की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप यहाँ देखिए दूरी कितनी निकली ए की, डी, ए डी मतलब ए की द्वारा तय की गई दूरी, ए डी कितना निकला आपका 2 × 4 यानी कि 8 किलोमीटर। अब हम निकालना है बी ने कितनी दूरी तय की, तो बी की डिस्टेंस निकालते हैं, बी की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और वो कितने समय में, 3 घंटे में, तो कितनी दूरी तय करेगा, 5 × 15, कितनी दूरी तय करेगा, 5 × 15 किलोमीटर, ठीक है। अब आप देखिए इन्होंने क्या बोला कि कुल दूरी कितनी 24 तय की, तो अगर हम 8 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 23 किलोमीटर, कितना आएगा बच्चों, 23 किलोमीटर। तो क्या ये आपका 24 आया, नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा ए आंसर भी नहीं है, और जब ए आंसर नहीं है तो क्या आंसर होगा, अब आपका सी, एक ही बचा था तो सी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपने ऑप्शन से कितनी आसानी से कर लिया, क्लियर हो रही बात, सारी बातें क्लियर, कहीं से कहीं तक कोई इशू तो नहीं। चलिए अब देखिए आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन और सेटिस्फाई करा लें, तो देखिए ए की चाल कितनी थी, 4 थी, उसका 4 यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में चाल कितनी है, 3, और समय कितना था, 4 था, तो चाल गुणा क्या कर दिया, समय, तो ए ने कितनी दूरी तय की, तो 12 किलोमीटर की दूरी ये किसने तय की, ए ने, कितने, ए ने, ए के द्वारा डिस्टेंस तय की गई है। अब देखिए बी की चाल कितनी है, 4, और उसका समय कितना है, 3, तो देखिए आपको नंबर क्या हो गए, चेंज हो गए, तो बी की चाल कितनी है और उसका समय है 3, और चाल कितनी है बी की, 4, तो कितनी दूरी तय की बी ने, 12 किलोमीटर, बी ने भी कितनी दूरी तय की, 12 किलोमीटर, तो बी की दूरी कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। अब 12 और 12 देखिए कितना 24 हो रहा है कि नहीं, तो बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वरना अगर आप इसकी इक्वेशन बनाने में जाएंगे तो आप देखिए कितना जटिल होगा, ये आपको इक्वेशन से भी बता देते हैं, दिमाग में कोई डाउट ना रहे। देखिए सबसे पहली बात की थी इन्होंने कि बी की चाल जो है वो ए की चाल से कैसी है, बड़ी है, बी की चाल कैसी है, ए की चाल से बड़ी है, तो पहला स्टेटमेंट तो केवल ये लिखा है कि बी की चाल जो है स्पीड वो ए की चाल से कैसी है, ज़्यादा है, तो ये हमने लिख लिया। दूसरे स्टेटमेंट में बात कर रहे थे कि ए की चाल और बी की चाल का जो योग है वो कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने ये भी लिख लिया बच्चों कि बी और ए की चाल का योग कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपको दिया था कि ए 4 घंटे में, ए कितने, 4 घंटे में, और बी कितने, 3 घंटे में, बी कितने, 3 घंटे में, कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं, कुल मिलाकर 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, दोनों कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं, तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब अगर आप इसको क्या करते हैं, इक्वेशन से करने की कोशिश करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, इसको इक्वेशन से करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो समझना कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले हमें चालें माननी पड़ेगी, ए की चाल को हमने कितना मान लिया, ए की स्पीड को मान लिया एक्स, बी की स्पीड को क्या मान लिया, वाई, ठीक, ए की चाल हो गई एक्स, बी की चाल हो गई वाई। अब देखिए इनकी चालों का योग कितना है, तो आपका पहला इक्वेशन तो आ गया कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 7, ये आपको दिया है, ठीक है, पहली इक्वेशन बना के हमने छोड़ दी। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि ए 4 घंटे में और बी 3 घंटे में टोटल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हमें पता है दूसरी कंडीशन अगर हम देखें यहाँ से इक्वेशन बनाएं, तो चाल ए की और समय कितना, 4, तो चाल गुणा समय दूरी हो गई, और बी की अगर बात करें तो बी की चाल कितनी, 22, और समय वो कितना ले रहा, 3 घंटे, तो चाल गुणा समय ये भी दूरी हो गई, टोटल दूरी कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनी 4x + 3y बराबर में कितना, 24, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, मतलब आप x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 4y बराबर 28 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को पहली में से माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, देखिए 4x से 4x कट जाएगा, 4y में से 3y जाएगा, तो y बचेगा
और आप देखिए किस में से अब माइनस करना है आपको, आपको माइनस करना है 28 में से 24, कितना बचेगा 4। तो बी की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई बी की चाल। ठीक है, अब बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो 4 किस में रख दीजिए आप, पहली इक्वेशन में। तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों, 7 है। तो अब हमने वाई की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पर, यहाँ वाई की वैल्यू रख दी 4, वाई की वैल्यू कितनी रख दी 4। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 माइनस 4 आ जाएगा, 4 आया ना भाई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो यहाँ पर होगा 7 माइनस 4, यानी कि आंसर कितना आएगा 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा बी की चाल कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए की चाल कितनी 4 किलोमीटर, बी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ए की कितनी 3 किलोमीटर, ए अपन ने एक्स को माना था। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ए की 3 और बी की 4, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। तो आप इस तरीके से ट्रेडिशनली भी जा सकते हैं, तो हमने दोनों तरीके देख लिए इस क्वेश्चन को करने के। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2250 के अंकित मूल्य वाली एक मेज पर 30% छूट की घोषणा की गई, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य समझ लें पहले क्या होता है, अंकित मूल्य को मार्क प्राइस बोला जाता है या लिस्ट प्राइस बोला जाता है। अंकित मूल्य क्या कहलाता है बच्चों, दो तीन तरीके से ये लिखा जा सकता है आपके पास। एक तो ये होता है मार्क प्राइस, ये क्या होता है मार्क प्राइस, इसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, ठीक, और इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ये हमारा लिस्ट प्राइस भी होता है, ठीक, ये होता है लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस, MP कहलाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब आप मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आपने एक टूथपेस्ट लिया तो आप उसकी प्राइस देखेंगे तो एक प्राइस उस पर लिखा रहता है 198, 150 समथिंग, कुछ जो भी प्राइस आपका उस पर अंकित है यानी कि लिखा हुआ है वो उसका मार्क प्राइस कहलाता है। अब मान के चलिए उस पर कोई दुकानदार आपको क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कि बात समझिए, अब आप मान के चलिए कोई चीज़ लेने गए जिसकी कीमत 50 रुपये है, कितनी 50 रुपये, और इस पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, 10% का, आपको 10% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, 10% का, तो बताइए आप दुकानदार को कितना रुपये देंगे, और दुकानदार के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब दुकानदार कितने रुपये में बेच रहा। तो पहले तो हमने समझ लिया कि अंकित मूल्य क्या होता है, अब बात कर रहे हैं विक्रय मूल्य की, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, जैसे आप 10% की बात करें तो 50 वाली चीज़ पर 10% कम करके आपको देगा, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इसका 90% निकाल देंगे। भाई ये जो 50 है वो अपने आप में क्या 100%, 10% आप 50 का करोगे तो वो कितना बचेगा 90%, तो हम 50 का क्या कर रहे हैं 90%, 50 का 90% कैसे निकालते हैं, 50 × 90 और बटे में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया 5×9 = 45, यानी कि वो आपको कितने रुपए में देगा दुकानदार, 45 में। तो आपने तो खरीदा 45 में, जब हम खरीदने के लिए किसी की वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं तो वो पैसा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो ये आपके लिए तो क्या हो गया, क्रय मूल्य आपके लिए, समझना इस चीज को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए ये क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए क्या हो गया, अगर दुकानदार की अगर बात करें तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ये दुकानदार के लिए क्या है, विक्रय मूल्य, क्लियर। क्योंकि दुकानदार आपको बेच रहा है 45 में और आप खरीद रहे हैं 45 में, तो आपके लिए क्रय मूल्य है लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, विक्रय मूल्य, ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो हमने शब्द समझ लिए क्या हुआ है, अंकित मूल्य पर अगर आप डिस्काउंट देते हैं, ये क्या था, MP मार्क प्राइस था 50 रुपये, उस पर अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो क्या बनता है, जितने में आप बेचेंगे तो दुकानदार के लिए क्या बनता है, वो विक्रय मूल्य, एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब आप समझिए इसको कि क्वेश्चन में आपको दिया है अंकित मूल्य कितना, 2250 रुपये। अब बोले 2250 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक मेज पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा, 30% का, यानी कि 30% हम 2250 में से निकाल कर, 2250 का 30% निकाल कर ऐसा भी कह सकते हैं, और 2250 में से माइनस करेंगे, तो जब 2250 अपने आप में 100% है और उसको आप 30% निकाल कर उसमें से माइनस करेंगे तो वो कितना रह जाएगा खुद का, 70%। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 30% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप, 30% का आप यदि डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसकी कीमत कितनी रह जाएगी,
70% रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 70%। तो अब हम क्या करते हैं, हम 2250 का 70% निकाल देते हैं। जैसे ही हम 70% निकालेंगे, यानी कि उसने दुकानदार ने कितने में बेचा, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा, 2250 रुपये का आप क्या कर दीजिए, 70% निकाल दीजिए। ठीक, अब देखिए 2250 लिखा है, 2250 70% कैसे निकालेंगे, 70 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए दो जीरो से दो जीरो आपके कैंसिल हो गए, केवल आपको 7 से गुणा करना है, 7 × 35 की 5, हासिल में क्या जाएगा 3, 7 × 14 3, 17 × 7 हासिल में क्या जाएगा 1, 7 × 14 और 1 15, यानी कि 1575 रुपये का विक्रय मूल्य होगा। दुकानदार कितने में बेचेगा, 1575 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। आप ऑप्शन देखिए कौन सा दिया है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि अंकित मूल्य पर जब डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य एक तो हमने ये समझ लिया कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य मिलता है, विक्रय मूल्य एक तरीके से और भी मिलता है। चलिए उसको और देख लेते हैं कैसे मिलता है। भाई अगर हमने बोला कि क्रय मूल्य, आपने कोई वस्तु, क्रय मूल्य की बात करें कितने रुपये में खरीदी, 100 रुपये में, आपने कोई वस्तु कितने रुपये में खरीदी, 100 रुपये में, खरीदने के लिए जो आप कीमत अदा करते हैं वो कीमत क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। अब हम कह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि इस वस्तु पे आप 15% का लाभ लेकर बेचना चाह रहे हैं। कितना लाभ लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 100 रुपये की जो चीज़ खरीदी थी उस पर आपको 15% का लाभ हो जाए, तो आप इसको बेचना चाह रहे हैं। तो आप जानते हैं 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है, तो आप इसको कितने में बेचेंगे, आप बेचेंगे 115 में। तो ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। देखो तो बेचने के लिए जो कीमत आपको कोई देगा, अगर आप 115 रुपये में बेच रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो गई, विक्रय मूल्य। आपने खरीदी कितने में थी, 100 में, तो खरीदने के लिए जो हम कीमत अदा करते हैं वो कीमत कहलाती है क्रय मूल्य, और बेचने के जितने में हम बेचते हैं तो कोई हमें उतने पैसा देगा उस चीज़ के लिए, तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। तो अब आप देखिए आपने 100 रुपये की चीज़ पर 15% का लाभ लेकर 115 में बेची, तो ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। तो आपने दो चीज़ समझी कि यदि अंकित मूल्य पर, यदि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर क्या दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, क्या दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, तो डिस्काउंट देने के बाद जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा, वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। एक चीज़ तो हमने ये समझ ली, ठीक। अब हम दूसरी चीज़ बताएं तो हमने क्या समझी, तो दूसरी भी चीज़ ये समझी कि अगर हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है, कोई वस्तु हम कितने रुपये में खरीद के लाए, हमारे पास क्रय मूल्य है, और उस पर हम क्या करें, या तो लाभ ले लें, या क्या करें, लाभ ले लें, या फिर हानि उठा लें, हानि पर भी बेच देते हैं भाई कभी कभार किसी चीज़ को, हानि ले लें, तो लाभ और हानि लेने के बाद जो चीज़ हमें जो कीमत मिलेगी वो चीज़ क्या होगी, वो विक्रय मूल्य कहलाएगी। तो विक्रय मूल्य दो केस में मिलते हैं, एक तो क्रय मूल्य पे लाभ और हानि लेकर अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य मिलेगा, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। आई होप आपको सारी बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक दौरे में 540 किलोग्राम मछलियां लाती है, ठीक। तो 43,200 किलोग्राम मछलियां पकड़ने के लिए आवश्यक दौरों की संख्या बताएं। दौरों का मतलब वो वाला दौरा नहीं है, पागलपन के दो दौरे होते, वो दौरे नहीं है, समझ रहे हो ना बात। दौरा का मतलब क्या है भाई, समझ लीजिए ये समुद्र का तट है, ये क्या है, तट है। अब नाव यहाँ से जाती है, ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है। तो नाव यहाँ से जाती है यहाँ कहीं समुद्र में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, एक दौरा करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर वापस आती है। तो एक दौरे में ये कितनी मछलियाँ पकड़ के लाती है, ये 540 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ के लाती है, और चाल कितनी है इसकी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि टोटल कितनी मछलियाँ पकड़ के लाई, 43,200 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ने के लिए आवश्यक दौरों की संख्या बताएं। तो बच्चों आपको पहली चीज़ तो ये बता दें, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कोई रोल ही नहीं है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये केवल आपको गुमराह करने के लिए दिया है, आपको भटकाने के लिए दिया है कि आप सोचो कि 18 किलोमीटर का क्या इस्तेमाल करना, तो कुछ नहीं, वो तो केवल एक जनरल चाल बता दी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव समुंदर में गई, वहाँ जाके मछुआरों ने जाल डाला, मछलियों को पकड़ा, एक बार में कितनी मछलियाँ आई, जाकर जब तट पर पहुँचे, तौला तो देखा 540 किलोग्राम।
ऐसे करके एक बार फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, और टोटल जो वजन हुआ मछलियों का एक दिन का उनका, वो 43,200 किलोग्राम। तो अगर एक राउंड में वो 540 किलोग्राम ला रहे हैं, कितने अगर हम बात करें एक राउंड की, अगर वो एक राउंड में कितना जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, तो कितना मछलियां पकड़ के लाते हैं, 540 किलोग्राम, ठीक है। और उन्होंने टोटल कितनी पड़ी पकड़ी, तो टोटल वेट कितना है मछलियों का, तो अगर हम टोटल वजन की बात करें, टोटल वेट की बात करें मछलियों का, तो एक दिन का कितना निकल कर आया उनका, 43,200 किलोग्राम। ये भी किलोग्राम में बहुत अच्छी बात है, यूनिट आपको कन्वर्ट नहीं करनी। तो एक दिन में अगर उनने 43,200 मछलियाँ, किलोग्राम मछलियाँ पकड़ी वजन की, और एक राउंड में 540 पकड़ते हैं, तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकाले जाएंगे, यानी कि राउंड्स की संख्या, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकलेंगे, आप कुल वजन कितना हुआ एक दिन में, 43,200, और एक बार में कितनी पकड़ रहे हैं वो, 540, तो बस भाग लगा दीजिए। तो कितने राउंड उनको लगाने पड़े आने जाने के, तो वो राउंड की संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे भाई, काटना शुरू कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 6 बार, 9 चौक 36, 9 8 72, 6 8 48, तो कितना हो गया, 80। तो यानी कि नाव वालों को कितने राउंड लगाने पड़े, 80 राउंड, कितने, 80 राउंड। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा भाई, एक राउंड में 540 किलोग्राम मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, और टोटल वजन एक दिन में कितना हुआ, 43,200। तो 43,200 को अगर आप 540 से भाग दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने राउंड उनको लगाने पड़े। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक राउंड में 2 किलोग्राम मछलियाँ लाते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ठीक है, और एक दिन में उनके पास टोटल 50 किलोग्राम वजन की मछलियाँ हुई, तो एक राउंड में जब 2 आ रही, तो दूसरे राउंड में फिर 2 आएंगी, ठीक है, एक राउंड में 2, दूसरे राउंड में 2, फिर तीसरे राउंड में फिर से 2। तो आप बताइए ऐसे ऐसे 2 करके आपको कितने बार जोड़ना पड़ेगा कि आपका कितना हो जाए, 50 हो जाएगा। तो आपको पता है 2 को आपको 25 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 25 बार जोड़ने का मतलब 2 × 25 कर दो, तो 50 किलोग्राम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई भाग दे दीजिए ना सीधा सीधा, कि भाई 50 किलोग्राम है और एक राउंड में कितनी आती है, 2 किलोग्राम, तो 50 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी कि टोटल कितने राउंड लगाए गए, 25 राउंड। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गणना करें मतलब कैलकुलेशन करनी है भाई। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके पास सिंपल दिया है, 2 ऑप्शन भी दिए हैं आपको, तो समझिए इस चीज़ को, आपसे बोल रहे हैं कि गणना करें, कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा, मतलब इस चीज़ को अलग सॉल्व करना है आपको, और इस चीज़ को अलग, और उनके आंसर देने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन आपको, आपको लिखा है -16 ब्रैकेट में बंद +8, ठीक, एक तो ये दिया है, तो चलिए पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं क्या है ये। तो -16 है, ठीक, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस का 8 है। अब देखिए जब माइनस की संख्या को आप प्लस की संख्या में जोड़ते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस होता है तो आपको पता है कि माइनस की संख्या बड़ी है, तो फिर माइनस होगा, 16 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8, और किसका आएगा, वो माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब आप देख लीजिए यहीं से आपका आंसर निकल आएगा, -8 पहले किसका आंसर है, तो इधर 24 है तो ये आंसर कैंसिल, इधर भी -24 है ये भी कैंसिल, इधर प्लस का 8 ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। इसके बाद आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी देख लीजिए, सेकंड आपको क्या दिया है बच्चों, सेकंड आपको दिया है प्लस का 8, ठीक है, और क्या दिया है, माइनस का 2, ये आपको दिया है प्लस का 8 और माइनस का 2, हमने एंड का साइन लगा दिया, एंड का साइन नहीं है यहाँ पर, यहाँ प्लस का साइन है बच्चों, तो आप इसको सही कर लें, यहाँ किसका साइन दिया आपको, प्लस का साइन, तो चलिए प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये हो गया प्लस का 8, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, प्लस का बचेगा, देख लीजिए किस ऑप्शन में प्लस का 6, इसी में। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस राइज होगा, आप आराम से निकाल ले जाएंगे पेपर, मतलब मैथ में तो आपका कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक, कोशिश करिएगा कि ना छूटे, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए, घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या पूछा था, इस बार टफ तो नहीं हो जाएगा, तो हमने इतने सारे पेपर कर लिए, 5 मार्क पेपर है ये, और 5 पेपर देखिए जेल प्रेरी में मैथ का लेवल जो है काफ़ी बेसिक है, किसी में भी आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया,
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बच्चों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, समीकरण 9x प्लस 3 बराबर 0 का हल 1 है। मतलब जब आप 9x प्लस 3 बराबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x का मान निकलेगा आपको बताना है वो कौन सा है, मतलब प्राकृतिक है, परिमेय है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है या काल्पनिक है। तो हम सारे शब्दों को पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, फिर आप अपने आप आंसर दे देंगे। देखिए कैसे, अगर हम बात करें प्राकृतिक की, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो संख्या है जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक से, एक दो तीन चार, इस तरीके से जो संख्या हमारी कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्लियर बात, तो ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब हमें प्राकृतिक संख्याएं समझनी कहाँ से, एक से लेके इन्फाइनाइट तक होती है, और सारी की सारी देखिए पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक। अब आते हैं परिमेय संख्या की बात करते हैं, सेकंड क्या आपका परिमेय संख्या, तो एक तो प्राकृतिक संख्या होगी। अब सेकंड अगर हम परिमेय संख्या की बात करें बच्चों, तो आपको पता है जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए और जिसमें क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होता, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों फॉर्म में हो सकती है। जैसे हमने आपसे बोला 2/3 एक परिमेय संख्या है, -5/7 एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याओं के क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक। तो हमें परिमेय संख्या भी आगे समझ में कि ऐसी संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो कि क्या ऋणात्मक धनात्मक दोनों ही फॉर्म में हो सकती है, वो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर, वो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक मतलब इंटीजर कहलाता है। पूर्णांक क्या होता है बच्चों, देखो इसको और समझ लेते हैं। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो देखिए 0 से 1, 2, 3 कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, और अगर हम बात करें -1, -2, -3 और कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक, कि सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। मतलब अगर परिमेय संख्याओं को हटा दें और डेसिमल नंबर्स को हटा दें, दशमलव वाली संख्याओं को, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं डेसिमल नंबर्स में आती हैं, ठीक है, दशमलव के रूप में जो होती हैं, तो ये हो गई हमारी पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ये तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पूर्णांक का हो गया, पूरा का पूरा इंटीजर हो गया। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं ऋणात्मक, तो ऋणात्मक कहाँ से होंगी, -1, -2, -3 से लेकर कहाँ तक होंगी, माइनस इनफाइनाइट तक। इन्होंने क्या दिया आपको ऑप्शन में, ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमने ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ लिया कि भाई कहाँ होता है, -1 से -∞ तक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये चीज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की, यानी कि इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं। तो ये जो होती हैं जिसमें आई लग जाता है, क्या लग जाता है, आई जो होता है, इसको हम काल्पनिक संख्याओं में इमेजिनरी नंबर में काउंट करते हैं। यहाँ पर जो आई स्क्वायर का मान होता है वो होता है -1, या हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई। अब आई अगर आपके इस सॉल्यूशन में आता है तो हम बोल देंगे कि भाई हमारा आंसर क्या है, डी है, अगर आई आता है तो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या दिया हमें इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है 9x + 3 = 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 9x + 3 = 0। तो यहाँ से यदि आप 9x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, -3। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, x की वैल्यू आपकी निकलनी है -3/9, ठीक, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब किससे कैंसिल हो रहा है ये, 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 1/3 माइनस का। तो बताइए किस फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, और जहाँ q ≠ 0 है कि नहीं है, q की वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं है, देखिए यहाँ 3 0 के बराबर तो नहीं होता, नहीं होता, तो यानी कि ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो फिर आप कौन से ऑप्शन पर टिक कर देंगे बच्चों, परिमेय संख्या वाला, यानी कि ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
तो हमने सारी चीजों को समझ लिया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती, परिमेय संख्या क्या होती, ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या क्या होती, ऐसे ही हम समझते जाएंगे ना, तो इनसे भी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आसानी से बना लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब हैं, एक बक्से में कितने 45 बिजली के बल्ब हैं, जिनमें से 20 दोषपूर्ण हैं। जिनमें से दोषपूर्ण का मतलब क्या हो सकता है, कोई कम जलते हो, कोई टूटे फूटे हो, कुछ में कुछ खराबी हो, तो दोषपूर्ण हो गए वो 20 बल्ब दोषपूर्ण हैं। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है। देखिए सबसे पहले समझ लें कि प्रायिकता निकाली कैसे जाती है, प्रायिकता निकाली कैसे जाती है। तो प्रायिकता की अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए फेवरेबल इवेंट यानी कि हमारे पक्ष में कितने चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर होती हैं घटनाएं। क्या होती हैं फेवरेबल इवेंट, मतलब हमारे फेवर में कितनी घटनाएं हैं, तो ये हो गया फेवरेबल इवेंट, ठीक है। और टोटल इवेंट क्या होता है, टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। टोटल इवेंट की बात करें तो देखिए एक बक्से में कितने बिजली के बल्ब थे 45, तो ये तो हो जाएगा हमारे टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं, ठीक है। कितनी हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं और कुल घटनाएं कितनी है। तो अब आप बोल रहे हैं कि एक बॉक्स में 45 बल्ब है, उसमें से 20 क्या है खराब है। अब आपने हाथ डाला यादृच्छिक रूप से, मतलब रैंडमली हाथ डाला, आपको ये नहीं पता कि हमें सिलेक्ट करके लेना है, आपने हाथ डाला और एक बल्ब निकाला। अब ये बोल रहे हैं कि एक बल्ब जब आप यादृच्छिक रूप से चुनते हैं तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण है मतलब वो 20 में से होना चाहिए। तो आपके फेवर में कितनी कंडीशन है, आपके फेवर में 20 कंडीशन है, टोटल घटनाएं कितनी है 45 हैं और आपके फेवर में कितनी है 20 हैं। मतलब अगर उन 20 में से एक बल्ब आपके हाथ में आ जाता है तो आप जीत जाएंगे। अब कह नहीं सकते वो उन 20 में से कौन सा एक आएगा, तो हम कह सकते हैं कि आपके फेवर में 20 स्थितियां हैं, जबकि टोटल कितनी कंडीशन बनी, कितने इवेंट बन रहे हैं 45। तो प्रायिकता क्या होगी, आपकी जीतने की संभावना क्या होगी कि आप हाथ डालें और जो आप बल्ब चुने वो दोषपूर्ण बल्ब ही निकले, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए बात करते हैं, टोटल बल्ब में से आपके फेवर में 20, क्योंकि आपको इन 20 में से अगर एक बल्ब मिलता है तो आपकी प्रायिकता क्या बोले, क्या प्रायिकता होगी, तो 20 में से एक आपके फेवर में, ठीक है, आपको एक निकालना है तो 20 आपके फेवर में और टोटल कितने हैं 45, ठीक। तो प्रायिकता देखिए क्या निकलेगी, 5 चौको 20, 5 नाम 45, यानी कि 4/9। तो हम कह सकते हैं कि 9 में से कुल 4 चांस आपके जीतने के हैं। ऐसा हो सकता है कि 9 में से 4 बार आप जीत जाएं, ठीक है, 4/9 आपकी क्या होगी, प्रायिकता होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इसको भी हमने पुराने पेपरों में जो आपसे पहले पेपर की हैं उनमें डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता एक आती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो निश्चित रूप से घटेगी। अगर किसी चीज़ की प्रायिकता का मान 0 आता है, मतलब ऐसी कोई घटना होती ही नहीं है, जैसे हमने बोला कि सूरज जो है वो पूर्व से उगता है, तो आप बोलेंगे कि इसकी प्रायिकता क्या 101% है, 100% है, यानी कि क्या रहेगी प्रायिकता एक। लेकिन अगर हम बोलें पश्चिम से उगता है तो आप बोलेंगे ऐसा संभव ही नहीं है, हमें तो भाई जब भी उठते हैं सुबह तो हमने देखा पूर्व से ही निकलता है, तो पश्चिम से तो निकलता ही नहीं है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए और प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है, ये चीज़ भी समझ लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 4/9 यानी कि ए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। भाई आपको याद आ रहा होगा एक पेपर जो अपन ने डिस्कस किया जेल प्रहरी का, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था, वहाँ क्या था कि इस संख्या में एक संख्या दी गई थी, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, बस इतना क्वेश्चन था। और ऐसा भी हमने आपको बताया था कि अगर उसी में आपसे पूछे कि इस संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमने बताया था दो केस बनते हैं, एक तो जोड़ने घटाने के और एक गुणा और भाग के। तो गुणा और भाग में कौन सी मेथड लगानी है हमें और जोड़ने घटाने में कौन सी मेथड लगानी है, इसको समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करें कि जोड़ने और घटाने की, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, जोड़ने और घटाने की। तो जोड़ने और घटाने की जब क्वेश्चन में बात करेगा कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ना और कौन सी न्यूनतम संख्या घटाना, तो उस केस में हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हम वर्गमूल निकालने की भाग विधि, कौन सी विधि का,
वर्गमूल निकालने की, वर्गमूल की भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको बता चुके हैं, फिर से समझ लीजिए, ठीक। चले, और जब आपसे किसकी बात करेंगे, भाग देने की, कि कौन सी न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, तो फिर उस केस में आपको किस विधि का इस्तेमाल करना है, तो उस केस में आपको किस विधि का इस्तेमाल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। किसका इस्तेमाल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दो विधियां हैं, कब कौन सी विधि लगानी है वो हमारे पास स्पष्ट हो गया, कि अगर आपके पास केस आता है कि अंशा भाग किस छोटी संख्या से भाग किया जाए, गुणा किया जाए, तब आप अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तब आप क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्गमूल निकालने की भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। वर्गमूल निकालने की कौन सी विधि, भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई ये बातें, अब ये बात समझ में आ गई। तो देखिए, वर्गमूल निकालने की भाग विधि को आपको बता दें, ऐसा कुछ बनता था उसमें डायग्राम, किसी संख्या का निकालना है, और जबकि गुणनखंड विधि से जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को तो किस तरीके से करते हैं, तो गुणनखंड विधि का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है वो भी देख लीजिए। गुणनखंड विधि में आपने देखा होगा, आप ऐसे कुछ करते हैं, नंबर यहाँ लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पर नंबर यहाँ रहता है, x, y, z, समथिंग, और फिर इस तरीके से चलता है यहाँ पर, तो इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा, क्लियर। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो ये बोल रहे हैं 486 के साथ एक लघुत्तम, मतलब छोटी से छोटी संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है। पहले तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करेंगे, फिर आपको बताना है कि इस प्रकार प्राप्त जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो समझिए पहले तो आप, कि आपके पास संख्या क्या बच्चों, 486, तो इसको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो चलिए, किससे भाग देंगे, दो से, दो दुनी चार, दो चौको आठ, दो तिया छः। अब किससे भाग जा रहा भाई, चार तीन सात और दोनों तीन से भाग जा रहा, त्रि आठ चौबीस, तीन एकम तीन, त्रि आठ चौबीस हो गया, तीन एकम तीन हो गया, तो चलिए तीन एकम तीन। अब फिर किससे भाग जा रहा, तीन से, तीन से 27 बार, तीन से 9 बार, और तीन से 3 बार, और तीन से 1 बार। अब देखिए, अब आपको यदि क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे हम बात करें कि 16, 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4 आता है। तो क्यों आता है, उसका रीज़न क्या है, देखिए 16 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि दो दो के यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़े बनाना है, जिसके जोड़े बन जाएंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तीन का जोड़ा एक बन गया, एक यहाँ बन गया, किस चीज़ की कमी पड़ रही है, एक दो की और एक तीन की। तो अगर इस संख्या में एक दो से और एक तीन से गुणा कर दिया जाए, इस संख्या में एक दो से एक तीन से गुणा कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चलिए, आपसे बात क्या कर रहे हैं, उस बात को समझिए। ये बोल रहे हैं कि पहले तो गुणा करके पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करें, उसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो आप डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे संख्या नहीं पूछी गई। अब यहाँ हम ऐड करे दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछ लें कि 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या बताएं और उसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो चलिए, पहले तो हम संख्या बता देते हैं आपको। 486 अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको देखो किस चीज़ का गुणा करना पड़ रहा है, एक तीन कम है एक दो कम है, तो तीन इंटू दो यानी कि छः का गुणा करना पड़ रहा है कि नहीं भाई। तीन का गुणा करोगे और दो का गुणा यानी कि टोटल छः का गुणा करोगे आप, तो छः का गुणा कर दीजिए, छः छः छत्तीस की छः, हासिल में तीन, छः अड़तालीस, तीन इनके अंक एक, हासिल में पाँच, छः चौको चौबीस और पाँच उनतीस, उनतीस सौ सोलह। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, ये क्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या आ गई एक। क्लियर हो रही है बात, तो ये बात तो अब हमने आपसे पूछ ली है एक्स्ट्रा, जो आपके क्वेश्चन में नहीं दी, फिर भी आपसे पूछ लिया कि वह संख्या बता दें जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें किस चीज़ की कमी पड़ रही थी, दो का गुणा करना पड़ा तीन का, क्योंकि यहाँ तो तीन का जोड़ा बन गया, यहाँ बन गया, एक तीन और एक दो की कमी पड़ रही थी जोड़ा बनाने के लिए। एक तीन और दो का गुणा करोगे, अगर आप इसमें तीन का भी गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, अगर आप इसमें तीन से भी गुणा करोगे और दो से भी, तो फाइनली मतलब हमें किससे गुणा करना है, छः से गुणा करना है। तो हमने छः से गुणा कर दिया, तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई हमें 2916। अब इस 2916 का वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल देखो यहीं से निकल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक जोड़ा है में से एक बाहर आता है, आता है कि नहीं, तो देखिए अब हमारा आंसर आ रहा है। आंसर कैसे आएगा,
यहाँ से एक तीन आ गया, यहाँ से एक तीन आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक तीन आ जाएगा, एक जोड़ा बना दिया ना हमने, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एक दो आ जाएगा, तो बताइए कितना हो गया, नौ, तीन त्रिका नौ, नौ तीन सत्ताईस, सत्ताईस दूनी चौवन, कितना आ गया, चौवन। तो यानी कि वो पूर्ण वर्ग जो संख्या है 2916, उसका वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या आ गया, चौवन। तो आप किस आंसर पर टिक कर देंगे, सी पर। तो हमें बात समझ में आ गई कि चौवन का यदि वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, 2916 मिलेगा, और 2916 का यदि आप क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, चौवन मिलेगा। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इस प्रकार सी आंसर हो गया। आई होप आपको सारी बात समझ में आई, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं।